सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती है कि समंदर अभी कितना दूर है। और यही सिंह राशि वाले लोगों के लिए सफलता का अगस्त महीने में गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश रिमाली और आप देख रहे हैं सिंह राशि अगस्त राशिफल। प्रिय सिंह राशि वाले दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए बहुत कुछ खास है। सबसे पहले तो कौन सी ऐसी डेट्स है जिसमें अगस्त महीने में आपको सावधान रहना चाहिए और कौन से शुभ योगों की शुभ डेट है जिस पर आप ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्लैनेटरी पोजीशन कौन कौन सी चेंज हो रही है, फिर आपके बिजनेस और वेल्थ का हाल कैसा रहेगा, जॉब और प्रोफेशन कैसा रहेगा, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप इस महीने कैसी रहेगी, स्टूडेंट और लर्नर्स के लिए कैसा रहेगा और सेहत और ट्रैवल प्लान के लिए कैसा रहेगा। और अंत में अगस्त माह को यादगार और शानदार बनाने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। प्रिय साथियों, हर महीने 2-3 दिन कुछ ऐसे जाते हैं जो थोड़े से निराशावादी होते हैं। काम में डिले हो, डिस्टर्बेंस हो, टेंशन डिप्रेशन दे सकते हैं। आप हो, मैं हूं, आम खास किसी के भी साथ भी ऐसा हो सकता है। ये कारण तब बनता है जब चंद्रमा से या फिर सिंह राशि से चंद्रमा 4th, 8th, 12th चले जाए। अब आइए बात करते हैं कि 7 और 8 अगस्त को तो 12th रहेंगे, 16-17 तारीख को 4th रहेंगे और 25 और 26 अगस्त को 8th रहेंगे। उन दिनों में जो मैंने डेट्स दी हैं, आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। अब कुछ ग्रहों से बनने वाले शुभ योग भी इस महीने बहुत बनने वाले हैं। पहला तो 8 से 11 अगस्त तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, 9 और 10 अगस्त को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, 16 से लेकर 26 अगस्त तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग और 22-23 अगस्त को चंद्र गुरु का गजकेसरी योग। और भी बहुत सारे प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। 8 अगस्त से बुध अपने मित्र सिंह राशि में रहेंगे, 11 अगस्त से शुक्र नीच राशि को जाएंगे कन्या राशि में, 16 अगस्त से सूर्य का अपने ही घर वापसी होने जा रही है सिंह राशि में, 26 अगस्त से बुध कन्या राशि में चले जाएंगे जो कि उच्च राशि हो जाएंगे, भद्र योग बनाएंगे और फिर जो शुक्र नीच राशि के थे उनका नीच भंग राजयोग बन जाएगा। प्रिय साथियों, इस महीने बहुत कुछ खास आपके लिए होने वाला है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 22 अगस्त रक्षाबंधन, 30 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मिलेगा आशीर्वाद। आइए बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप के अगर आप मूड में हैं, कुछ करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक अपनी कंडीशन देख लें, लोन बोरो कितने स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान रखें, फिर आगे बढ़िए। डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए समय अनुकूल है। कुछ भी खराब है, पेंडिंग है, पहले उसे निपटाइए। इन्वेस्टर्स को अगर आप बुलाना चाहते हैं, बायर्स को बुलाना चाहते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ के लिए पहले मैनेजमेंट प्रॉपर करिए, उसके बाद आपको बड़े ऑर्डर हाथ लगेंगे जिससे बिजनेस प्रॉफिट में चला जाएगा। मंगल की सातवीं दृष्टि व्यापार और पत्नी और पति के घर पर होने से पति पत्नी मिलकर व्यापार को बढ़ाएंगे और मंगल आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको एंथुजियाज्म देगा, जिससे बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दे पाएंगे और प्रॉब्लम्स का सामना आसानी से कर पाएंगे। 22 और 23 अगस्त को व्यापार भाव में चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बन रहा है, जिससे नए लोगों से मिलना, इकोनॉमिकली और अकाउंट्स मैनेजमेंट और सर्विस प्रोवाइडिंग संबंधित कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर रिसर्च करके आगे बढ़िए। गजकेसरी योग आपको बड़ा जो है ना वो कोई ऑर्डर दे सकता है, बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। कैश फ्लो पर ध्यान दें वरना मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाएगी। बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। प्रोफेशन लोगों के लिए नए क्लाइंट मिलना और ये मैजिकल महीना भी आपके लिए हो सकता है। आप अपने क्लाइंट के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे जिससे क्लाइंट तरक्की करेंगे और आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज वरदान साबित होगी जिससे जॉब मिलने के चांसेस हाई बन जाएंगे। आपको हो सकता है फुल टाइम जॉब न मिले लेकिन पार्ट टाइम में मिले, करिए जरूर। 10 अगस्त तक शुक्र का करम भाव से नवम पंचम राजयोग और उसके बाद और अच्छी पोजीशन बन जाएगी जिसमें जॉब में ट्रांसफर प्रमोशन, जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में कुछ चेंज करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी मुराद पूरी होने वाली है। 20 और 21 अगस्त को चंद्रमा का करम भाव से नवम पंचम राजयोग बन रहा है जिससे आप अपने स्किल क्वालिटी एबिलिटी व्यूज आइडियाज पर डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, जल्द ही आपके हुनर के मुताबिक आपको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। ऑफिस कल्चर में थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो रही है उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी जिस कारण आपकी इमेज खराब हो सकती है। स्पेशली पुरुष का महिला और महिला को पुरुष से बातचीत करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वरना फालतू की बातों में आपको घसीटा जा सकता है। अपने प्रोफेशन को, अपनी जॉब को, अपने काम को जिससे आपकी जेब में पैसा आता है और घर खर्च चलता है उससे फर्स्ट प्रायोरिटी दें और हर काम को मन लगाकर करिए
कम समय में आप बहुत प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे और आउटपुट निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। फैमिली में घर के बड़ों की बात नहीं सुनने के कारण आपको डांट पड़ सकती है, घर का बना बनाया माहौल खराब हो जाएगा। बड़ों की सलाह मानना, बड़ों की इज्जत करना बच्चों का तो फर्ज बनता ही है, और बड़ों को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को जमाने के हिसाब से थोड़ा सा उन्हें स्पेस देने की कोशिश करें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करें, तब अशांति को शांति में तब्दील किया जा सकता है। परिवार में किसी लग्जरी प्रोडक्ट की खरीदारी, परिवार में किसी स्पेशल चीज के आ जाने से बहुत खुशी मिलेगी। 14 और 15 अगस्त को चंद्रमा का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिससे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप हैप्पी मोमेंट एंजॉय करेंगे। ट्रैवल करना, मॉनसून का पूरा आनंद लेने के पूरे चांस बनेंगे। मंगल की सातवीं दृष्टि पति पत्नी के घर पर है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पार्टनर पर बेवजह शक हो जाएगा और ये शक यकीन में तब्दील नहीं होगा, सिर्फ शक रहेगा। इसलिए बेवजह जब तक अपनी आंखों से न देख लें और कानों से न सुन लें विश्वास मत करिए। रिलेशनशिप में बेवजह हेट न करें, अच्छे काम को अच्छी सोच के साथ करिए और कोशिश करें कि जो हो चुका है उसे आप नहीं बदल सकते, आगे अच्छा हो इसके लिए परिवार के साथ बैठकर भोजन करिए, बातों को शेयर करिए, और कुछ ना हो तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम बनाइए, कुछ स्पिरिचुअल ट्रैवल करिए। घर में पूजा पाठ, शांति, सत्संग, सत्यनारायण की कथा करवाना बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर्स की। स्टूडेंट को दी गई वर्कशीट काम तय समय पर जमा करवाना और तय समय पर अपने टास्क को कंप्लीट करना, अपने रिवीजन को कंप्लीट करना डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अपने आप को मुश्किल समय में साबित कर हीरो का ताज आप पहनेंगे। सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपको तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए सिलेबस को समय पर पूरा कर लेना चाहिए, वरना मिड मंथ में प्रॉब्लम आ सकती है। 16 अगस्त से सूर्य का शिक्षा भाव से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिससे हायर एजुकेशन, पीएचडी और ऐसे स्टूडेंट जो अपने काम पर ही फोकस करते थे, उनको किसी सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार, इश्क, मोहब्बत की वजह से अपने काम, अपनी पढ़ाई से हाथ गंवाना पड़ेगा। इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय सुनहरा है। लर्नर्स के लिए अगस्त मिड तक कुछ स्पेशल ऑफर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सेहत और ट्रैवल की। हेल्थ संबंधित प्लान के लिए अगस्त महीना सामान्य है। 20 और 21 अगस्त को रोग भाव में चंद्र शनि का विष दोष बन रहा है, अचानक से टेंशन, डिप्रेशन, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके आसपास के समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मंथ के मिड से लेकर एंड तक आपके हेल्थ के हिसाब से आपको पूरा चेकअप करवाना चाहिए और ट्रैवल में सतर्क ज्यादा रहना चाहिए। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन का सहारा आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रोग भाव से मंगल का षडाष्टक दोष बन रहा है, जिससे ब्लड हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या फिर एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो जाना, थोड़ा सा ध्यान रखिए और हेल्थ डाइट चार्ट पर बहुत ध्यान रखिए। बड़े ट्रैवल प्लान की बजाय छोटे छोटे 3 ट्रैवल प्लान आपके बनेंगे और बिजनेस विद प्लेजर भी संभव है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल संभव है। प्रिय सिंह राशि वाले दर्शकों, अब मैं कुछ यादगार और शानदार अगस्त बनने के लिए उपाय बता रहा हूं। पहला तो 8 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। दुर्गा माता को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने से आप कई प्रकार के लाभ और स्ट्रेंथ प्राप्त कर पाएंगे। 13 अगस्त नागपंचमी के पावन अवसर पर जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण दोष है, चांडाल दोष है, विष दोष है, विष दोष के साथ साथ कालसर्प योग है, उन लोगों को इस दिन विशेष पूजन करना चाहिए। और नागपंचमी के दिन 1 नारियल, 11 दाने बादाम और 1 लाल रुमाल और कपड़े का कोई भी टुकड़ा खरीद कर लाएं, और इसके बाद जो पहला शनिवार पड़े उसमें इन सभी चीजों को बांध कर कहीं जरूरतमंद व्यक्ति को दक्षिणा के साथ डोनेट कर दें। 22 अगस्त रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय बहने इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रति बंधनामि रक्षे माचल माचल। उसके बाद भाई को मालपुए खिलाएं, लाल डोरे से निर्मित राखी बांधे, भाई को रस वाली मिठाई जरूर खिलाएं और पंचरंगी डोरे वाली भी मिठाई, वो जो डोरा है वो बांध सकते हैं। 25 अगस्त कजली तीज पर अखंड सौभाग्यवती बनने के लिए आपको शिव पार्वती के मंदिर जाकर माता पार्वती के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और फिर रोजाना अपनी मांग में उसी सिंदूर को भरिए। इसके बाद एक विशेष डेट है 30 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के समक्ष चमेली के धूप जलाएं और ओम क्लीम
जगदाधाराय नमः मंत्र का जाप करते हुए गुड़ की खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से काम में ख्याति और नाम होगा, आयु में वृद्धि होगी। प्रिय सिंह राशि वाले लोगों, अगर आप उससे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो बहुत सारे डेट्स अगस्त महीने में जिसपे आप पर्सनल मिल सकते हैं, और अगर आप उसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।